press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. डाउन सीक्वेंस है और काफी सारा कम्युनिकेशन है प्रिंस चोपड़ा जी आई से क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से देखिए भोजपुरी भाषा जो है बहुत ही कानों को भरी लगती है, बड़ी मिठास है इस भाषा में। इससे पहले भी मैंने काफ़ी भोजपुरी फिल्में की हैं। देखिए मैं तो चाहता हूं कि मैं हिंदुस्तान की हर जबान में काम करूं। अब तक मैं 19 जबानों में काम कर चुका हूं और रमेश भाई मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। कई बार इंडस्ट्री में ताल्लुकात वो काम कर जाते हैं जो पैसा नहीं करता है, तो हम सब जो आए हैं ताल्लुकात की बिना पर आए, प्रेम चोपड़ा जी, रंजीत साहब और मैं, क्योंकि हमारे इनसे बड़े अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात हैं तो हम आए हैं बिल्कुल। और आपको याद होगा कि ओम शांति ओम में भी एक गाना था जिसमें बड़े बड़े स्टार्स ने पार्टिसिपेट किया था उस गाने में। तो देखिए इंडस्ट्री जो है वो ताल्लुकात पे चलती है, एक एक सीन के लिए, दो दो शॉट के लिए इतने बड़े बड़े स्टार्स उस गाने में आए थे। तो हमने यही सोचा कि जब उस फिल्म में शाहरुख खान के तमाम कलीग्स आए, उन्होंने गाना किया, हमें भी करना चाहिए। और मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुआ ओम शांति ओम से, तो अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है। पुराने साथी मिले हैं पप्पू खन्ना से, के साथ हम पिछले 40 साल से काम कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। हाल ही में आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट की बात थे, काफ़ी फिल्म अच्छी कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? इतना ज़्यादा विवाद का फिल्म के आने से पहले आज के व्यक्ति से पा जाए तो कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? एक शेर है, हजार बर गिरे लाख आंधियां आए, हजार बर गिरे लाख आंधियां आए, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जिन फूलों को खिलना है वो तो खिलेंगे ही खिलेंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और इतनी दिक्कतों के बाद फिल्म रिलीज हुई, फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद की गई पूरी दुनिया में, लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं फिल्म की। तो हमारी जितनी भी परेशानियां थीं, हमने जो दिन बहुत ही बेसब्री से गुजारे थे, वो तमाम तकलीफें हम भूल गए। और फिल्म चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, तो तकलीफ सहने के बाद आराम का मजा ही कुछ और होता है। और सर आज के दौर में देख रहे हैं कि सिर्फ मनोरंजन नहीं रह गया, सामाजिक मुद्दा काफी हो गया, जैसे बैटमैन की बात कर लें आया और काफी ज्यादा रिवॉल्यूशन लाया है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी अच्छी, कितनी पॉजिटिव बात है? बहुत अच्छी बात है, मैं तो अक्षय कुमार को मुबारकबाद देता हूँ। इससे पहले उन्होंने टॉयलेट एक प्रेम कथा बनाई थी, वो एक बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है। बैटमैन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसी प्रॉब्लम पे एक इतना पॉपुलर हीरो जो एक्शन हीरो रहा है, आज वो समाज की प्रॉब्लम सामने लाता है, उन पर टिप्पणी करता है और उन्हें सही करने की कोशिश करता है, तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा भलाई के पात्र जो हैं वो अक्षय कुमार हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि बाकी जो हीरोज़ हैं उन्हें भी सबक लेना चाहिए अक्षय कुमार से कि साहब मेरी ये इमेज है और मेरी रोमांटिक इमेज है, मैं ये नहीं करूँगा, मेरी जो है साहब देशभक्ति की इमेज है, मैं ये नहीं करूँगा। ये सारी बेकार बातें हैं। आपको जो काम मिलता है आप ईमानदारी से कीजिए उसे, और इमेज के चक्कर में मत पड़िए। इमेज के चक्कर में तो आदमी का टैलेंट जो है वो बंद के रह जाता है, इमेज से बाहर भी निकलिए और एक्सपेरिमेंट कीजिए। तो वाकई मैं अक्षय कुमार को ढेर सारी बधाई देता हूँ इन दो फिल्मों के लिए, और आइंदा भी वो ऐसी सामाजिक समस्याओं पे मुझे लगता है फिल्म बनाते रहेंगे। Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Press the bell icon on the YouTube app and
and never miss another update.